प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इससे जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इस साल एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि इन चुनावों को आयोजित करने की चुनौती इसीलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनज़र किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाईसाइकिल रैली जैसी चीज़ों पर भी रोक रहेगी। कई नियमों का ऐलान करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होगा। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, 14 फरवरी को दूसरे दिन का मतदान होगा। इसके साथ ही गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। यूपी में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। यूपी में 27 फरवरी को पांचवें चरण का मतदान होगा। वहीं यूपी में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। यूपी में सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना में चुनाव कराना चुनौती है, लेकिन कोरोना के बीच चुनाव कराना हमारा कर्तव्य है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। 690 विधानसभा में इस बार वोट डाले जाएंगे। तो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, एज यू आर अवेयर दैट द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर ड्यू टू एक्सपायर इन दिस ईयर on March 15th, March 19th, March 23rd, and again March 23rd, and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand, and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a matter that protects both the voters and the vote. चुनाव में धांधली को रोकने के लिए ऐप बनाया गया है। ऐप के जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी कर सकेंगे। सिविक गिल ऐप के जरिए समस्या या शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड बिसाइड्स दिस इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू अपलोड ऑन देयर वेबसाइट एट द होम पेज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स with pending criminal cases who have been selected as candidates, along with the reasons. The political party will have to give the reasons as to why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal incident was selected, and benevolency is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier. The details of such candidates will also be available on Know Your Candidate, that is the app developed by the ECI. चुनाव आयोग ने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील की है। कोरोना गाइडलाइन के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। संविधान में विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का है। चुनाव आयोग ने कहा कि समय पर चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। Let me go back to the Constitution of India on this issue. Article 172.1 states clearly that every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved,
shall continue for 5 years, -- and no longer. So the period of any constituency is only up to 5 years and no longer. Any postponement of the assembly may result in situation which denies people of that state the right to elect an accountable government of their choice. The government will have to be of their choice. It is a democratic process. Democracy forms part of the basic structure of the constitution, and holding of timely election is the essence of maintaining democratic governance, and this task has been given to the Election Commission of India to hold timely elections. 40 लाख ही उम्मीदवार चुनाव खर्च कर पाएंगे. डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होगा. पदयात्रा और रोड शो, साइकिल रैली और बाइक रैली नहीं होगी. 15 जनवरी तक इन पर रोक रहेगी. चुनाव आयुक्त ने कहा कि जीत के बाद जश्न या विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी. डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को ही इजाजत होगी. इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. No road show, padyatra, cycle, bike vehicle, rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static, no road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation, considering the situation of the pandemic, and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings, similar like a campaign curfew that on any campaign day, that will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed, and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or her authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. However, physical rallies during the campaign period, after considering the situation, which is very dynamic, and when permitted, after the decision of the commission, shall be conducted subject to adherence to COVID-19 guidelines. The maximum limit of persons allowed for indoor and outdoor rally meeting shall be as per existing directions of SDMAs. For these meetings, political parties shall distribute masks and sanitizers to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons, including candidates, excluding security personnel, if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions. चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 10 मार्च को 5 राज्यों में मतगणना होगी. कोरोना गाइडलाइन के तहत नियमों का पालन करना जरूरी होगा. परिणामों की घोषणा के बाद जश्न की अनुमति नहीं होगी. मतगणना के बाद किसी भी तरह के रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी चुनाव कर्मचारी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होंगे. सभी चुनाव कर्मी फ्रंटलाइन कर्मी है, इसलिए पोलिंग बूथ पूरी तरह से सैनिटाइज होगा. पोलिंग की टाइमिंग भी 1 घंटे से ज्यादा होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 जनवरी को मतदाता की सूची डाली गई थी. 24.9 लाख मतदाता की पहली बार वोट डाले जाएंगे. इसके साथ ही यूपी में 29% मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था होगी. सभी पोलिंग बूथ पर व्यवस्था की गई है. वही पोलिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई है. 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकारों से खर्चे की समीक्षा की गई है. समय पर चुनाव कराए जाएंगे. इसके साथ ही 18.3 करोड़ मतदाता इस बार वोट देंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़.
नीट काउंसलिंग मामले में मेडिकल के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2021-22 में आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी छात्रों को कोटा देने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में 27% ओबीसी आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटा देने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद वो तमाम छात्रों के लिए नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि लंबे समय से नीट पीजी काउंसलिंग की रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे थे। रेजिडेंट डॉक्टर इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे थे। बता दें कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि ईडब्ल्यूएस किस आधार पर तय होगा, इसके लिए कोर्ट का फैसला आधार बनेगा। हालांकि कोर्ट ने आगे के सत्र के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि कोर्ट मार्च माह तक इस पर जरूर फैसला सुना सकता है। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि देशहित में नीट पीजी काउंसलिंग को शुरू होना चाहिए और यह जरूरी है। किसान आंदोलन की सफलता के बाद मानो देश में हर कोई प्रशासन को झुकाने पर तुला हुआ है और सहारा भी कोई नया नहीं है। आंदोलन वही सोच नहीं, ये पंचलाइन इस पर सटीक बैठती है। इसी बात को आगे रखते हुए महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली के कुछ किसान अपनी बुनियादी मांगों को लेकर धरने पर अड़ गए। इनका कहना है कि इन किसानों को सिर्फ 8 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है और 16 घंटे तक बिजली गुल रहती है। देश ही नहीं तो राज्य में किसान आए दिनों प्रकृति की मार झेलते रहते हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हम शीघ्रता से प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन जिस पर नियंत्रण है अगर वो सुविधा भी हमें ना मिल पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा ही मुद्दा सामने आया है महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली के देसाईगंज में, जहां पर महावितरण दफ्तर के सामने किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका मकसद 24 घंटे बिजली मिलना था। इस आंदोलन की अगुवाई शिवसेना के पदाधिकारियों की ओर से की गई। देसाईगंज तालुका में कल से महावितरण कंपनी विद्युत विभाग ने जो 24 घंटा तक लाइट कृषि विभाग को काश्तकारों को मिलती थी, उन्होंने कल से 8 घंटा ही देना शुरू कर दिया है। 8 घंटा के विद्युत पुरोठा से ये जो किसान भाई है, जो खेत में धान बोते हैं या और कोई भी पीक लेते हैं, उसके ऊपर में वो लास्ट बांधी तक, आखिर के बांधी तक उससे पानी पहुँचता नहीं। परिणाम उसका ये होता है कि वो धान का जो पीक है, जो आने वाला, वो सूख जाता है और उससे काश्तकारों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। गए 15 साल से 10 साल से काश्तकारों को धान बराबर पीका या धान बराबर आया नहीं है, उसकी फसल बराबर आई नहीं है और इसके वजह से, और ये अगर कल से इन्होंने ये जो लोड शेडिंग शुरू किया है 16 घंटे का, उसके वजह से और किसान लोग हमारे वर्षा तालुका के तकलीफ में आ गए हैं। किसानों को पहले से ही कई बिन बुलाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बिन मौसम बारिश, तूफान, जानवरों की उथल पुथल और भी कई समस्याएं। लिहाजा एक बार के लिए इन समस्याओं को दरकिनार किया जा सकता है, क्योंकि ये समस्याएं इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर प्राकृतिक कारणों को छोड़े तो बिजली ये एक कृत्रिम चीज पर नियंत्रण तो हमारे हाथ में है। अगर इसमें भी प्रशासन अपनी बचत को सोचकर किसानों को मुसीबत में ढकलेगा तो भविष्य में इसके दुर्गामी परिणाम खुद प्रशासन को ही भुगतने होंगे, जैसा कि जिला प्रमुख की ओर से की गई बातों में साफ जाहिर होता है कि कैसे किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 16 घंटे की लोड शेडिंग महावितरण कर रहा है, जिससे किसानों को साफ 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। अगर आगामी दिनों में इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी दी है। लिहाजा बस इतना कह सकते हैं, अगर आज संबंधित प्रशासन किसानों के फायदे के बारे में सोचेगा तो वही फायदा दुगना बनकर फसल के रूप में प्रशासन के पास जाएगा। इसीलिए संबंधित मसले पर महावितरण को ध्यान देने की जरूरत है। गढ़चिरौली से योगराज टेम्बुरने की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान बिन मौसम बरसात से परेशान है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों का किस हद तक नुकसान हुआ है और इसी नुकसान की वजह से किसानों में मायूसी छाई है। लेकिन जब ये मायूसी गुस्से में बदल जाती है तब क्या होता है, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई, देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। कई अतिवृष्टि से पीड़ित इलाकों में से एक इलाका ये भी है जहां पर बारिश और ओलों की हुई बरसात में फसल बर्बाद हुई है। इसी मुद्दे को लेकर किसानों का रोष हमें देखने को मिला, जहां पर संबंधित किसान अपनी खराब फसलें लेकर परिसर की ही एक सड़क को जाम कर दिया गया।
मसले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार कर्मी किसानों को समझाने भी पहुंचे, लेकिन कुछ असर नहीं होता हुआ दिखा। बड़ी जद्दोजहद के बाद किसानों को कहा गया कि पहले सर्वे किया जाएगा, किसे कितना नुकसान हुआ है वो देखा जाएगा, जिसके उपरांत सभी को उनकी मुआवजे की राशि अदा की जाएगी। लेकिन किसान तत्काल मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। अब देखना यह है कि इनकी मांगों को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। एमपी से प्रतिनिधि दीपक बसेर की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।